फोर्थ पॉइंट है बाय स्टेटिस्टिकल सीरीज। कौन सा पॉइंट है? बाय स्टेटिस्टिकल सीरीज, मतलब अभी तक हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें या एनालिसिस के अकॉर्डिंग बात करें या जितने भी फॉर्मूले स्ट्रेस में बने हैं वो सब इसके बिहाफ पे बने हैं, मतलब प्रेजेंटेशन के इस टाइप्स के बिहाफ पे। इसमें क्या होता है, पूरे डाटा को हमने सीरीज में डिवाइड कर लिया। किस पे डिवाइड कर लिया? सीरीज में। अब कैसे डिवाइड किया वो देखते हैं। बेसिकली जो सीरीज है वो दो टाइप की है। फर्स्ट टाइप, ध्यान रखना, कंसेप्ट वाइज समझना, ये जो टाइप बने हैं ये भी किसी रीजन से बने हैं। फर्स्ट इज इंडिविजुअल सीरीज। अगर आपको इलेवेंथ का याद होगा तो आपके अकॉर्डिंग तीन टाइप होंगे, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर दो ही टाइप है। फर्स्ट इज इंडिविजुअल सीरीज। नाम क्या है इसका? इंडिविजुअल, मतलब इसमें हम एक एक इंडिविजुअल डाटा को इम्पोर्टेंस देंगे। क्या करेंगे? एक एक इंडिविजुअल डाटा को इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए किसी क्लास के 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और कितने में से हैं? 10 में से ही है। तो जैसे 5 आया, 8 आया, 9, 5, 6, 0, 10, 8, 9, 7, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये ज्यादा हो गए, ठीक है। तो किसी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने 10 मार्क्स का कोई टेस्ट पेपर दिया, उसके आंसर ये आ गए, ठीक है। अब देखिए हमने क्या करा, 10 ही स्टूडेंट थे और 10 के 10 के स्टूडेंट्स के हमने क्या करे, मार्क्स लिख डाले। तो हमने एक एक डाटा को, एक एक इंडिविजुअल डाटा को हमने क्या करे, इम्पोर्टेंस दी। तो इसी को क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सीरीज। लेकिन ये 10 थे तब तक सही था, अगर 10 की जगह क्या हो जाएंगे 1000, तो हम ऐसे लिखते लिखते एक एक डाटा को क्या हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। और दूसरी बात देखो, 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। अगर 1000 हो गए, थाउजेंड्स हो गए, तो फिर ये 5 तो कई बार रिपीट होगा। क्या होगा, तो बोला मैंने, कई बार रिपीट होगा, रिपीटेशन बढ़ जाएंगे। तो रिपीटेशन बढ़ जाएंगे तो हम एक ही चीज को बार बार क्यों लिखे, हम तो कॉमर्स के, हमारे इंक बचाएंगे। तो हम क्या करेंगे, रिपीटेशन के बिहाफ पे हमने इसका सेकंड टाइप बना दिया। क्या बना दिया? रिपीटेशन के बिहाफ पर हमने इसका सेकंड टाइप बना दिया। तो सेकंड टाइप क्या बना, रिपीटेशन। और रिपीटेशन को ही स्टेट्स में दूसरा नेम क्या बताते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो सेकंड टाइप क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सच डिस्ट्रीब्यूशन विच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के बिहाफ पर डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली हमारे सीरीज के कितने टाइप्स हुए, इंडिविजुअल सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए आप पॉज करके, इंडिविजुअल सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बिहाफ पर भी ये सीरीज के टाइप्स ये होते हैं। पहला है डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज में हम क्या करते हैं, एक एक डाटा को लेते हैं जैसे मार्क्स और उससे रिलेटेड फ्रीक्वेंसी जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये काम आपने 11th क्लास में बहुत परफेक्ट किया था, कैसे इंडिविजुअल को डिस्क्रीट में कन्वर्जन, याद है? जैसे 5, 5, 5 तीन बार आया तो 3 टैली मार्क्स लगा देते, फिर 4 बार आया, 4 और 5 बार आने पर कट कर देते थे। तो टैली मार्क्स की हेल्प से हमने 11th क्लास में इंडिविजुअल से डिस्क्रीट में कन्वर्जन किया। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 5 मार्क्स लाने वाले 2 स्टूडेंट्स, मतलब 2 टैली मार्क्स, 10 मार्क्स लाने वाले 12 स्टूडेंट्स, 15 मार्क्स लाने वाले 10 स्टूडेंट्स और 20 मार्क्स लाने वाले 7 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डिस्क्रीट सीरीज। फिलहाल अगर हमारे सिलेबस की बात करें तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि डिस्क्रीट सीरीज का मतलब क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें एक डाटा होता है, डेटा उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। इंडिविजुअल में ओनली एक्स होता है, डेटा को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स से। डिस्क्रीट में क्या होता है, एक्स और उससे रिलेटेड फ्रीक्वेंसी, बस ये इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, ओके। अब दूसरी बारी क्या आती है, लेकिन क्या देखो, सोचो जरा, क्या मार्क्स ऐसे 5-5 के गैप में आते हैं क्या? नहीं,
सिक्स भी आ सकते हैं, 6.5 भी आ सकते हैं, या जैसे हाइट की बात करें तो हाइट 7.1, 7.12, 7.123, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज होती है। तो डिस्क्रीट सीरीज में भी हम लिमिटेशंस में हैं। किस लिमिटेशंस में हैं? अगर हमारे पास एक्स की वैरायटी काफी ज्यादा है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, तो ऐसे कहां तक हम ग्रुप बनाएंगे, एक्स बनाएंगे? पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, बहुत लंबी सीरीज बन जाएगी। तो इससे बचने के लिए एक नया टाइप और बनाएगा, दैट इज कंटिन्यूस सीरीज। और कंटिन्यूस सीरीज का स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्रुप और उससे रिलेटेड फ्रीक्वेंसी, जैसे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, और 0 to 5 के बीच में मार्क्स आने वाले स्टूडेंट। अब इसमें एक्स क्या होता है, देखो इंडिविजुअल में भी एक्स था, यहां भी एक्स है, यहां एक्स क्या होगा, एक्स होगा मिड वैल्यू। मिड वैल्यू किसकी, ग्रुप की मिड वैल्यू। तो 0 to 5 की मिड वैल्यू क्या होगी, 2.5। कैसे निकालेंगे, 0 plus 5 upon 2, 2.5। 5 to 10 की 7.5, फिर 12.5, फिर 15 to 20 की 17.5। इस तरह से इसकी मिड वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो ये हमारे क्या होगा, कंटिन्यूस सीरीज। तो ध्यान दीजिए, वापस अगेन एक बार फाइनल इसको रिपीट करते हैं। सीरीज के कितने टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें, इंडिविजुअल सीरीज जिसमें इंडिविजुअली एक एक डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्स से डिनोट करते हैं। दूसरा है रिपीटेशन ज्यादा बढ़ जाते हैं तो हम कौन सी सीरीज पर आएंगे, डिस्क्रीट सीरीज पर, जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्स और एफ। फिर तीसरा आते हैं, अगर रिपीटेशन ज्यादा होते हैं, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो फिर दैट वी हैव टू यूज कंटिन्यूस सीरीज इन विच वी हैव ग्रुप्स एंड इट्स फ्रीक्वेंसीज। ओके, ग्रुप्स, फ्रीक्वेंसीज और एक्स का मतलब मिड वैल्यूज। ठीक है, यहां पर कंटिन्यूस सीरीज का एक टाइप और होता है जिसको बोलते हैं हम इसके टाइप्स, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम आज यहीं तक डिस्कस कर रहे हैं। ओके, कंटिन्यूस सीरीज के जो टाइप्स होते हैं इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ, एक चीज और बात यहाँ पर डिस्कस करें ताकि नेक्स्ट क्लास हमारे कंटिन्यू हो जाए। इसके बाद आप लोगों ने सीएफ तो सुना होगा, सीएफ, सीएफ मीन्स, सीएफ बोले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेट करना, जोड़ना, ऐड करना। तो 2 में 12 ऐड करा, 14, 14 में 10 ऐड करा, 24, 24 में 7 ऐड करा, 31। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आई, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हमने बोला सीएफ 2, 4, 24, 31, तो जो इसके कंटिन्यूस सीरीज के टाइप्स हैं वो सीएफ के बेसिस पर ही हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर ही। इसके दो टाइप होते हैं, कैसे, अभी देखिए हमने क्यूमुलेट कैसे करा, ऊपर से नीचे जोड़ा। लेकिन कोई बोल भी तो सकता है, सर आपने नीचे से ऊपर क्यों नहीं जोड़ा, तो इसी दो एडिशन के बिहा पर, अप टू डाउन एंड डाउन टू अप, देर आर टू टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस सीरीज। एक बात और, यहां पर इसका एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर भी इसके इसके बिहा पर ये दो टाइप्स की होती है कंटिन्यूस सीरीज। ये भी हम कब करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ये है एनालिसिस से पहले वाला पार्ट कंटिन्यूस सीरीज, इसमें हमें एक क्लास और लगेगी, उसके बाद हम फिर एनालिसिस पर आ जाएंगे, फाइनली जो हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन है। यहाँ पर अभी हमारा काम का अभी हमने पढ़ा है, वापस एक बार रिपीट कर रहे हैं। फर्स्ट, डेटा के टू टाइप्स होते हैं कलेक्शन के बिहाफ पर, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। ठीक है, फिर आता है हमारा क्लासिफिकेशन, एरिया वाइज ज्योग्राफिकल, टाइम वाइज क्रोनोलॉजिकल, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। फिर आता है हमारा प्रेजेंटेशन बाय टेक्स्ट, जो बोरिंग था, टेक्स्ट का नेक्स्ट वर्जन दैट इज टेबल, टेबल का नेक्स्ट वर्जन डायग्राम्स एंड चार्ट, जो समझने में काफी अच्छा था। आजकल जितने भी बिजनेस सेमिनार्स होते हैं, एजुकेशन सेमिनार्स होते हैं, सब में पीपीटीज काम आती है, सब में डायग्राम्स बना के समझाया जाता है, लेकिन वो कौन समझ सकता है, सब समझ सकते हैं लेकिन बना कौन सकता है जो एक्सपर्टीज हो। ठीक है, दूसरा उसके बाद आता है स्टेटिस्टिकल सीरीज। सीरीज दो टाइप की थी, इंडिविजुअल और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी दो टाइप का था, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यूस से कंटिन्यू करेंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी नेक्स्ट क्लास कंटिन्यूस सीरीज के टाइप्स से। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि प्रेजेंटेशन के थ्री टाइप्स होते हैं, बेसिकली इंडिविजुअल सीरीज, फिर फ्रीक्वेंसी के बिहाफ पे कौन कौन से, डिस्क्रीट एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है,
और फिर तीसरा टाइप जो हमने पढ़ा था वो था इन दोनों में सीएफ के बिहाफ पर कंटिन्यूस सीरीज का टाइप्स, ठीक है। तो हम उसी की बात करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस सीरीज, टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस सीरीज, ठीक है। आपको डायग्राम ऐसा ही बनाना है ताकि रिवीजन में इजी रहे। टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस सीरीज में देर आर टू टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस सीरीज, और ये जो टाइप्स होते हैं ये किसके बिहाफ पर होते हैं, ये होते हैं सीएफ के बिहाफ पर। किसके बिहाफ पर? ऑन द बेसिस ऑफ सीएफ, किसके बिहाफ पर? सीएफ के बिहाफ पर, ठीक है। तो दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट कौन सा हुआ, लेस देन सीरीज, और दूसरा हुआ मोर देन सीरीज, ठीक है। तो कंटिन्यूस सीएफ के बिहाफ पर दो टाइप के होते हैं, लेस देन सीरीज और मोर देन सीरीज। दोनों में सीएफ निकालते हैं, सीएफ का मतलब क्या होता है, एड फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम, एड फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम, इसमें क्या करते हैं, अप टू डाउन, ऊपर से नीचे की ओर ऐड करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, फ्रॉम डाउन टू अप, मतलब नीचे से ऊपर की ओर ऐड करते हैं, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, और इसके बाद हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं कि इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। पहला टाइप है, फर्स्ट इज लेस देन सीरीज, कौन सी सीरीज, लेस देन सीरीज। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, ग्रुप और उसकी फ्रीक्वेंसी, जैसे फर्स्ट ग्रुप ले लिया 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 2, 8, 10, 12, 5, 3, ये हमने इसके फ्रीक्वेंसीज ले ली, ओके। अब इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, लेस देन में और उससे फ्रीक्वेंसीज। देखिए पहली बात मैं आपको बता दूं, यहां पर जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कभी भी कन्वर्जन का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ये बस हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि बाय चांस गलती से इस तरह का कंसेप्ट आ जाए तो हमें पता होना चाहिए कि कन्वर्जन किस तरह से होता है। दूसरा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो आपसे पूछ सकता है कि 10 से 30 के बिटवीन के कितने ऑब्जर्वेशन है। तो 10 से 30 के बिटवीन का मतलब क्या हुआ, 10 टू 20 और 20 टू 30 आप इसमें इजीली ऐड करके बता सकते हैं कि इट विल बी 12 प्लस 8 20। लेकिन जब मिक्सअप सीरीज आएगी या लेस देन आएगी तो हो सकता है कि आपको कॉम्प्लिकेटेड हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका कन्वर्जन कैसे होता है, कंटिन्यूस से लेस देन और लेस देन से कंटिन्यूस, दोनों हम सीखेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन आने लगे हैं डाटा इंटरप्रिटेशन टाइप में, और हर कॉम्प्यूटर एग्जाम में इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे कहीं ना कहीं आपको, ओके। तो अब इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, 0 टू 10 है तो सबसे पहले इसमें ग्रुप बनेंगे। अब लेस देन 0 तो कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि स्टार्ट कहां से हुआ है, 0 से हुआ है, तो लेस देन सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, लेस देन बनाएंगे 10, फिर 10 से ग्रेटर क्या है, 20, मैंने क्या बोला, ग्रेटर, किस पर जंप मारनी है आपको, ग्रेटर पर, 20 से ग्रेटर क्या है आपके पास, 30, 30 से ग्रेटर क्या है, 40, और 40 से ग्रेटर क्या है, 50, ठीक है। अब हमने क्या करा, थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इसमें क्या करते हैं, इसकी ट्रिक क्या होती है, एड फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम अप टू डाउन, ऊपर से नीचे की ओर फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है। तो ऊपर से नीचे की ओर फ्रीक्वेंसीज को ऐड कीजिए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2, फिर 2 में 8 प्लस कीजिए, 2 प्लस 8 दैट इज इक्वल्स टू 10, फिर 10 में 12 प्लस कीजिए, 10 प्लस 12 दैट इज इक्वल्स टू 22, 22 में 5 प्लस कीजिए, 27, और 27 में 3 प्लस कीजिए तो कितना हो जाएगा आपके पास, 30, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास, कंटिन्यूस से लेस देन में कन्वर्जन हो गया। क्या करना है, हमें ग्रुप बनाना है, नॉर्मली लेस देन में
अपर इंटरवल्स काम में आता है, अपर लिमिट काम में आएगी, 10, 20, 30, 40, 50। दूसरी बात, यहाँ कितने इंटरवल्स है, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ भी कितने बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। वैसे आपको इनको सारों को बनाने की जरूरत हो सकता है ना भी पड़े। दूसरी बात, फ्रिक्वेंसी इसमें कैसे एड होती है, अप टू डाउन, 2, 2 प्लस 8, 10, 10 प्लस 12, 22, 22 प्लस 5, 27, 27 प्लस 3, 30। ठीक है, 2, 8, 10, 10, 2, 12, 10, 22, 5, 27 और 3, 30। यहां पर भी f का टोटल कितना होगा, 30 ही होगा। दूसरी बात, अगर हम इसका कर्व बनाएं, इसका कर्व अगर हम बनाएंगे तो इसका कर्व कुछ इस तरह का बनेगा। देखो कम ज्यादा ज्यादा हाईएस्ट हो रही है तो इसका फ्रीक्वेंसी का कर्व किस तरह का बनता है, इस तरह का, डाउन टू अपवर्ड, कम से ज्यादा। ठीक है, अब बात आती है कि ऐसा ही हमने क्यों किया कि फ्रीक्वेंसी को अप टू डाउन ही ऐड किया, डाउन टू अप क्यों नहीं किया। भाई लेस देन में डाउन टू अप भी तो कर सकते हैं, ऐसा क्या हमसे विशेष प्रेम है क्या इससे कि हमने अप टू डाउन ही करा, नहीं ये लेस पहले आता है ऐसे कुछ। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट है, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए तभी आप थोड़े टफ क्वेश्चन कर पाएंगे इजिली, तो हम कंसेप्ट भी इसका समझेंगे। तो इसको कंसेप्ट समझने के लिए हम क्या करते हैं, इस सीरीज को नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन याद है हमने बचपन में सबसे पहले पढ़ी थी, मैथमेटिक्स स्टार्ट यहीं से होती है, याद हो तो हमने ऐसे पढ़ाया था, ऐसे पढ़ा था, जीरो, फिर जीरो के बाद 1, 2, 3, 0 के बाद नेगेटिव काउंटिंग, तो जीरो। अब यहां पर हम बनाएंगे जीरो के बाद 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40 और 40 के बाद 50। तो हमारी लाइन कहां तक है, 50 तक है ओनली। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, 0 टू 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2, तो यहां 2 बताएंगे, 0 टू 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2, तो हमने यहां 2 बता दिया। फिर 10 टू 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8, तो 10 टू 20 में हमने क्या बता दिया, 8। फिर 20 टू 30 की, 12, ये 12 बता दी। फिर 30 टू 40 की कितनी है, 5, तो ये 5 बता दी। फिर 40 टू 50 की कितनी है, 3, ठीक है, ये 3 बता दी। ये हमें जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने फ्रीक्वेंसीज को नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दिया। अब बारी आती है लेस देन सीरीज की, तो लेस देन सीरीज कैसे बनाएंगे, देखो इसको मैं मिटा देता हूं ताकि हमारे बनाना इजी रहेगा थोड़ा। अब देखिए लेस देन 10, तो लेस देन 10 का कंसेप्ट सोचिए, लेस देन 10 का मतलब 10 से कम, लेकिन 10 से कम कहां तक, 0 तक। तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, ये तो 2 के इक्वल है ना, तो यहां पर क्या आएगा, 2 आ गया एज इट इज। ओके, अगेन देखिए लेस देन 20, तो लेस देन 20 का मतलब 20 से लेस कहां तक, 0 तक, 20 से लेस कहां तक, 0 तक। तो 2 और ये देखो ये डिस्टेंस तो हमें पता है, बस इसी का तो डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस कितना है, ये 8 के इक्वल है ना, तो 2 और 8 मिला के कितना हो गया, 10, तो इसलिए हमने क्या लिखा, 10 लिखा। सिमिलरली लेस देन 30, तो लेस देन 30 में क्या होगा, 30 से कहां तक, 0 तक। तो यहां तक तो कितना हमारे पास, 10 है, बस किसकी रिक्वायरमेंट है, इस वाले पार्ट की, और ये वाला पार्ट किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है, तो 10 प्लस 12 22। इसी तरह आगे का 5 27 और ये जुड़ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली कंसेप्ट इससे, इससे डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया मोर देन 30 बताओ, तो मोर देन 30 के लिए आप क्या करेंगे, 30 और 30 से ग्रेटर, मतलब ये वाला चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, 5 और 3 को ऐड कर देंगे। ठीक है, मोर देन 30 में हम क्या करेंगे, 5 और 3 को ऐड कर देंगे। जैसे आपसे बोल दिया कि मोर देन 10 एंड लेस देन 40 बताओ, क्या मोर देन 10 एंड लेस देन 40, तो मोर देन 10 का मतलब 10 से तो आगे, लेकिन लेस देन 40 मतलब यहां, तो ये वाले कौन कौन से हैं, तो ये वाले 8 हैं, 12 हैं और 5 हैं, और तीनों को ऐड कर देंगे। तो इस तरह से डीआई के क्वेश्चन हमें मिलते हैं, डीआई मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब जैसे देखिए इसी से हम मोर देन का कंसेप्ट समझते हैं, तो मोर देन के कंसेप्ट में क्या होगा, आप इसे नोट कर सकते हैं पॉज करके, मोर देन, अब देखो मोर देन जीरो का मतलब जीरो से ज्यादा, तो जीरो से ज्यादा कितना, सब कुछ, तो पूरा का पूरा आ जाएगा। मोर देन 40, तो मोर देन 40 का मतलब क्या हुआ, ये वाला पार्ट। मोर देन 30, तो मोर देन 30 अभी बताया मैंने, 30 टू 50, तो 5 और 3 8, तो इसलिए उसमें ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ ऐड करना है। ठीक है, तो हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं, कौन सा, मोर देन सीरीज। ओके, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, नहीं है तो आप एक बार वापस रिवाइज करके देख सकते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं मोर देन सीरीज।
सेकेंड मोर देन सीरीज। मोर देन सीरीज में क्या होता है, इसमें पहले इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ग्रुप और फ्रीक्वेंसी, लेस देन में नीचे से ऊपर जाता है, इसमें हमें क्या करना है, कर्व ऊपर से नीचे आएगा, क्यों आएगा वो भी देखते हैं। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 2, 8, 12, 5, 3, ओके। अब देखिए इसमें करना क्या है हमें, हमें वही मोर देन ग्रुप्स बनेंगे, मोर देन एफ। लेस देन में हमने कहां से काम में लिया था, ये ऊपर वाले काम में लिए थे लेस देन में, ठीक है। अब मोर देन में कौन से काम आएंगे, लोअर लिमिट्स, ठीक है। कैसे, इसमें क्या करेंगे, अगर हम मोर देन फाइव बोलेंगे तो जीरो टू फाइव वाले तो नहीं जाएंगे, तो इसलिए मोर देन कहां से स्टार्ट करेंगे हम, जीरो से। तो मोर देन जीरो, जीरो के बाद फाइव, फाइव के बाद टेन, फिफ्टीन, ट्वेंटी, फाइव, टेन, फिफ्टीन, ट्वेंटी। देखिए यहां पर 25 भी अवेलेबल है, लेकिन हम 25 को काम में नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि मोर देन 25 का मतलब क्या हो गया, 25 से ज्यादा, और 25 से ज्यादा तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो इसलिए हम नहीं बनाएंगे। दूसरा इसका चेक मेथड क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, यहां पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 5 इंटरवल्स हैं। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या थी, एड फ्रीक्वेंसी फ्रॉम डाउन टू अप, एड फ्रीक्वेंसी एट स्टार्ट, स्टार्ट भी कहां से करना है, डाउन टू अप की तरफ एड करते हुए। कैसे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, 3 का 3 एज इट इज, फिर 3 में 5 एड करा 8, फिर 8 में 12 एड करा, फिर इसमें 12 में 8 एड करा, सॉरी 20 में 8 एड करा 28, और फिर 2 एड करा 30। तो ये क्या हो जाएगी आपके पास, मोर देन की फ्रीक्वेंसीज, कौन सी फ्रीक्वेंसी जाएगी, मोर देन की क्या, 3 में 5 एड करा 8, 8 में 12 एड करा 20, 20 में 8 एड करा 28, 28 में 2 एड करा 30, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको, अगर हम मोर देन का कर्व बनाएंगे तो मोर देन का कर्व कैसा होगा, हाईएस्ट से लोएस्ट पे आ रहा है, तो हाईएस्ट से स्टार्ट होगा और लोएस्ट पे आएगा, और जहां ये दोनों कर्व लेस देन और मोर देन, इसको बोलता हूं जाए, जहां पर ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, आगे हम पढ़ेंगे कि इसी पॉइंट पर क्या निकलता है, मीडियन निकलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं, ठीक है। तो क्या करना है हमें, मोर देन से मोर देन में कन्वर्जन के लिए, कंटिन्यूस सीरीज को मोर देन में कन्वर्जन के लिए आपको डाउन टू अप ऐड करना है, और स्टार्ट भी कहां से करना है, नीचे से ऊपर की ओर ऐड करना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, रिवर्स कन्वर्जन, मोर देन और लेस देन से कंटिन्यूस बनाना। लेस देन ऑब्लिक मोर देन टू कंटिन्यूस सीरीज, इसके लिए दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट, राइट स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज एट सेम प्लेस, राइट स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज एट सेम प्लेस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, सब्ट्रैक्ट नियर बाय फ्रीक्वेंसीज, मीन्स ग्रेटर माइनस स्मॉलर, ठीक है। चाहे वो लेस देन हो चाहे वो मोर देन हो, दोनों में एक ही रूल अप्लाई होगा। जैसे सपोज कर लीजिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, पहले लेस देन का 10, 20, 30,
40, 50, 2, 8, 20, 28, 30, ओके। अब इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, कंटिन्यूस में, तो ग्रुप बनाएंगे। अब लेस देन टेन का मतलब कितना हुआ, लेस देन टेन 8 to 10 भी हो सकता है, 7 to 10 भी हो सकता है, 0 to 10 भी हो सकता है, -10 to 10 भी हो सकता है, लेकिन इसका डिसीजन कैसे लेंगे हम, तो इसका डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करेगा इसका पड़ोसी। इस पड़ोसी का गैप कितना है 10 का, तो हम इसको भी कितना लेंगे 10 ही लेंगे। तो फर्स्ट इंटरवल क्या होगा, 0 to 10 का गैप हमें लेना पड़ेगा। अब नेक्स्ट ग्रेटर पे जंप मारेंगे, किस पर जंप मारेंगे हम, ग्रेटर पर, तो 10 से ग्रेटर क्या है 20, तो 20 to 30, 30 to 40, तो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। इसका चेक मेथड क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये अब हम पढ़ रहे हैं इसलिए इतना लंबा प्रोसेस लग रहा है, लेकिन जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड लगेंगे, कितना सेकंड लगेंगे 20 सेकंड, और एक क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व करने के लिए आपको आराम से 1 मिनट मिलता है, ठीक है। अगर ऑनलाइन एवरेज देखें तो इजिली 1 मिनट आपको मिलेगा, ओके। तो वैसे भी आप 200 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में करने देते हैं 120 में, ओके, तो आराम से टाइम मिलेगा आपको, कोई टेंशन नहीं है। अभी हम वर्किंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, इसलिए आपको इतना टाइम लग रहा है, जब आप सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा ये, ओके। अब रूल, स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज एट सेम प्लेस, तो इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, तो यही लिख दो, लिख दी। इसके बाद बड़ी में से छोटी माइनस करो, क्यों, क्योंकि छोटी में से माइनस करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगी, तो नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है, तो 8 - 2 दैट इज 6, फिर 20 - 8 दैट इज 12, 28 - 20 दैट इज 8, और 30 - 28 दैट इज 2, ठीक है। तो ये कौन सा कन्वर्जन हुआ, लेस देन से ग्रुप में कंटिन्यूस सीरीज में कन्वर्जन। अब देखिए क्या करा, स्मॉलर फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिखा और ग्रेटर में से पास पास वाली स्मॉलर को माइनस करते गए। अब पास पास वाली को ही क्यों माइनस किया, इसके लिए वही कंसेप्ट है नंबर लाइन, तो नंबर लाइन भी हम देख लेते हैं इसमें एक बार। देखिए नंबर लाइन में हमें क्या करना है, 0, 10, 20, 30, 40 और 50, ठीक है। अब इसमें क्या किया, लेस देन 10 का मतलब 10 से लेकर यहां तक कितना है 2, लेस देन 20 यहां से यहां तक 8, लेस देन 30 यहां से यहां तक 20, लेस देन 40 यहां से यहां तक 28, और लेस देन 50 यहां से यहां तक 30। अब आप लोग समझ जाएंगे कैसे, जैसे देखिए कोटा से जयपुर और जयपुर से दिल्ली, कोटा 0 से स्टार्ट होता है, जयपुर की डिस्टेंस है 300 किलोमीटर और दिल्ली की है 500 किलोमीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कोटा से जयपुर की डिस्टेंस कितनी है 300 और कोटा से दिल्ली की डिस्टेंस कितनी है 500। अब अगर मैंने आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछा कि कोटा से जयपुर है 300 और कोटा से दिल्ली है कितना 500, तो मेरे को बताइए कि जयपुर से दिल्ली कितना होगा, तो आप इजीली जवाब दे देंगे कि नहीं सर 0, कोटा से दिल्ली की डिस्टेंस में से कोटा से जयपुर की को माइनस कर देंगे, मतलब इस वाले डिस्टेंस में से ये वाली हटा देंगे। हटा देने का मतलब क्या हुआ, यहां से इसको रिमूव कर देंगे तो कौन सी डिस्टेंस बचेगी हमारे पास, ये वाली। तो सेम यही कंसेप्ट आपको यहां पर अप्लाई करना है, कैसे, देखिए 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी चाहिए तो 0 to 10 की डिस्टेंस एज इट इज आ गई। अब 10 to 20 चाहिए आपको तो 10 to 20 मतलब ये चाहिए। अब इसके लिए आप क्या करोगे, यहां से यहां तक आपको पता है और ये पता है, इसमें से हटा दिए तो हमने वही किया है 8 - 2, ओके। सिमिलरली 20 to 30 ये वाली चाहिए तो आपको यहां से यहां तक पता है, यहां से यहां तक पता है, इसमें से ये हटा दीजिए, तो ये कंसेप्ट है। तो जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल्स करने के लिए दूंगा, उसमें आपको नंबर लाइन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, एक क्वेश्चन मोर देन करते हैं, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।
अब हम करते हैं मोर देन, तो मोर देन में क्वेश्चन लेते हैं मोर देन 5, 10, 15, 20, 25, 30, 28, 21, 11 और 4। ओके, तो मोर देन में भी सेम टू सेम है। सबसे पहले किसमें कन्वर्जन करना पड़ेगा हमें, हमें ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। तो पहले ग्रुप्स बनाते हैं, तो ग्रुप्स बनाने के लिए वही मोर देन 5। अब मोर देन 5 का मतलब 5 से कितना ज्यादा जाएंगे, वही पड़ोसी डिसाइड करेगा। तो कितने का गैप है, 5 का। तो 5 से किस पर जंप करेंगे, ग्रेटर पर। तो मोर देन 5 का मतलब 5 to 10, फिर 10 to 15, फिर 15 to 20, फिर 20 to 25 और फिर 25 से ग्रेटर। अब ये पता कैसे चलेगा क्यों है, ये मान लो तो 25 आ गया, देखो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ कितने इंटरवल्स हैं, 5। तो यहाँ पर भी कितने बनाने पड़ेंगे, 5। तो मोर देन 25 ध्यान आएगा, अरे यार 25 से ज्यादा जाना है, तो 25 से ज्यादा का मतलब अब ज्यादा भी कितना, वही पड़ोसी, हेल्प पड़ोसी करना है। तो 25 से ज्यादा कितना, 25, 5, 30। तो यहाँ कितना आएगा, 25 से 30। अब रूल वही है, राइट स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज। तो स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 4, इसको ऐसा का ऐसा लिख दो, फिर वही बड़े में से छोटा 11 minus 4, 7, फिर वही 21 minus 11 दैट इज 10, फिर 28 minus 21 तो कितना बचा 7, फिर ओके। तो हमने इस तरह से पढ़ा कि कंटिन्यूस सीरीज से लेस देन मोर देन कैसे कन्वर्ट की जाती है, एंड मोर देन लेस देन से कंटिन्यूस सीरीज में कैसे कन्वर्जन किया जाता है। ठीक है, एक चीज आपके पास और है, कंटिन्यूस सीरीज के स्ट्रक्चर के बिहाफ पर ये एक टाइप और होता है, इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज का टाइप हम आगे जब भी आगे एनालिसिस करेंगे, उसके क्वेश्चन आएंगे, तो हम वहीं पर इसको डिस्कस करेंगे। एक बात और, आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, कैलकुलेटर आप ध्यान रखिएगा, एक कैलकुलेटर फिक्स है मेरे पास, अभी है नहीं, अभी मैं लाया नहीं हूं, मतलब दिखाने के लिए, मैं आपको लाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, आपको दिखा दूंगा। कैलकुलेटर ध्यान रखिएगा, क्रिटिजन का जो आता है असली आता है सिटीजन का, उसका नकली ब्रांड चलता है क्रिटिजन, तो वो आपको परचेज करना है। ठीक है, असली आता है 300 के आसपास, और नकली आएगा 100, 120 जैसे शॉप है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको कैलकुलेटर खरीदते वक्त ध्यान रखना है, पहले बात तो क्रिटिजन का कैलकुलेटर रखना है, काला आता है, छोटा सा आता है, उसमें आपको एक तो देखना है कि यहाँ पर काउंटिंग आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, काउंटिंग, क्योंकि कैलकुलेटर हमें स्टेट्स में नहीं मैथ्स में भी हमारी हेल्प करेगा। क्या नहीं चाहिए यहाँ पर, काउंटिंग, यहाँ पर डिजिट साथ में लिखे हुए। दूसरा, जीटी का स्विच होना जरूरी है, केसीओ का कैलकुलेटर नहीं लेना है किसी को भी, केसीओ का कैलकुलेटर नहीं लेना है हमें, किसी पर्टिकुलर कंपनी की ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए जो इजी है वही कैलकुलेटर हमें परचेज करना है। जीटी होना चाहिए, एक प्लस माइनस का स्विच होना जरूरी है, दूसरा रूट का स्विच होना जरूरी है, बाकी इधर एम प्लस एम माइनस एम यू ये सारे स्विच ऑटोमेटिक सभी कैलकुलेटर में होते हैं, बस आपको 3 चीजें देखनी है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा।